इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सिंघू बॉर्डर से किसान जंतर मंतर के लिए रवाना हो रहे हैं। सिंघू बॉर्डर से किसान जंतर मंतर के लिए रवाना होंगे और कहीं से टीकरी से या गाजीपुर बॉर्डर से इजाजत नहीं दी गई है। हालांकि गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत निकल चुके हैं, वो कुछ देर में सिंघू बॉर्डर पहुंचेंगे। यहां से किसानों की 5 बस रवाना होगी। 200 किसान कुल होंगे जिनके पास उनका आईडी कार्ड भी होगा, यानी पूरी तरह फुल प्रूफ सुरक्षा इसके इंतजाम किए गए। ये देखिए, ये वो बसें हैं सिंघू बॉर्डर की, आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां से ये बसें रवाना होंगी अब से कुछ ही देर में। और हर बस में किसान होंगे, 200 किसान हैं ये। पवन नारा हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से इस वक्त जुड़ चुके हैं। पवन, कितनी देर में ये बसें यहां से रवाना होंगी? इन किसानों के अलावा कौन कौन किसान नेता हैं जो पहुंच रहे हैं सिंघू बॉर्डर? अर्चना, आपको बता दें कि बसें सिंघू बॉर्डर से निकल चुकी हैं। चूंकि सिंघू बॉर्डर पर 5 लेयर की बैरिकेडिंग है, इसलिए अंदर के रास्ते से इन बसों को जंतर मंतर जाना होगा। फिलहाल आपको बताएं कि इस पूरी यात्रा में लगभग 1 से 1.25 घंटा लगने की संभावना है। जहां तक नेताओं की बात है तो सभी संगठनों से प्रोपोर्शनल संख्या में किसान नेताओं को आने के लिए कहा गया है। जो किसान संघर्ष समिति है उसके सभी नेता यहाँ हैं। राकेश टिकैत अभी कुछ देर पहले यहाँ पहुंचे, इसके अलावा योगेंद्र यादव, हन्नन मौला, डॉक्टर दर्शन पाल सिंह, सभी नेता और सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधि इस बस में, या कहें कि इन 3-4 बसों में सवार हैं और सब जंतर मंतर जा रहे हैं। जब किसान नेता राकेश टिकैत से पूछा गया कि आपका आह्वान तो संसद मार्च का था और अब आपको जंतर मंतर की अनुमति मिली है, तो जिसके जवाब में कहा कि जंतर मंतर जनता का संसद स्थान है और हमें वहां जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अब की बार किसानों की तरफ से बाकायदा एक आईडी कार्ड इशू किया गया है, ताकि जो 200 की नफरी है या कहें कि नंबर है वो एक्सीड ना हो और हर आइडेंटिफाइड आदमी ही जंतर मंतर पहुंचे, ये कोशिश की गई है। यहाँ हरियाणा पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है, आगे दिल्ली पुलिस एस्कॉर्ट करेगी, और इस तरीके से किसान जा रहे हैं। कुछ किसानों से बात कर लेते हैं। सर, ये प्रदर्शन नहीं, संसद मार्च कह के आप एक किसान संसद करना चाहते हैं, क्या बात रखना चाह रहे हैं? 8 महीने से आपका आंदोलन चल रहा है। हम बात रखना चाहते हैं, जो खेती काले कानून है, सरकार ने पिछले 6 महीने से बात बंद की है। हमने अब पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और जो हमारे एमपी है, मेंबर पार्लियामेंट है, हमने उनको जिकाने लिए और सरकार को एक चैलेंज करने के लिए कि किसान है अभी जो लड़ाई चैलेंज करने के लिए। तो क्या बातचीत का रास्ता अब इस संसद मार्च के बाद खुल सकता है? हमने शुरू से ही कहा कि बातचीत से बात हो सकती है, हमने कितनी बार बात भी की है, और बात से बिना कोई बात नहीं होगी। गलत बात के बिना कोई बात नहीं होगी। सर, बात होगी तो कहां से शुरू होगी बात? 11 दौर की बात तो हो चुकी, सरकार अपने जगह पे अटल है, आप अपनी जगह पे अटल है, रास्ता निकले तो निकले कैसे? सरकार ही निकालूगी ना, अभी तो सरकार दे करते बैठे हैं, बुवे दुते बैठे हैं, 8 महीने पूरे हो गए, 9वां शुरू हो गया, सरकार दिया ब्रूहां दे बैठे हैं। ये सरकार ने हल करना, ये सरकार दा फर्ज बनता, सरकार दी जिम्मेवारी बनती, सरकार दा धर्म बनता, सरकार नूं निभाउणा चाहिए। इन्हां लोकां दीआं वोटां नाल सरकार राज करन वास्ते बैठी है, इन्हां लोकां दीआं वोटां लैके सरकार नूं कानून बनाउण दे अधिकार मिले ने, और जिन्हां लोकां दीआं वोटां लैके कानून दे अधिकार लए उन्हां ने, उन्हां लोकां नूं रगड़ना चाह रहे ने, सड़कां ते रोलना चाह रहे ने। ये लोग आने वाले किसान जो पंजाब से आए वो कह रहे हैं कि सरकार के दरवाजे पर हम बैठे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात सुनेगी। बिल्कुल, लेकिन किसान अड़े हुए हैं कि बात होगी तो कानून वापसी को लेकर ही बात होगी। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि अगर कुछ प्रावधान में सुधार चाहिए तो हो सकता है, लेकिन कानून वापस नहीं होगा। लेकिन आज ये बसें जा रही जंतर मंतर, जो पहले बातचीत के लिए जाती थी, और 200 किसान जंतर मंतर पर किसान संसद का आयोजन करेंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।